हे गाइस, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग रसल स्ट्रोक। तो गाइस, आज के शो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि आज के हॉल ऑफ फेम 2021 में कितने बड़े सुपरस्टार को WWE ने ऑफिशियल तौर पे इस साल के हॉल ऑफ फेम 2021 में और 2020 में इंडक्ट कर दिया है। तो गाइस, आज के शो में ये डिस्कस करने वाले हैं। इनफैक्ट ये वीडियो पूरी डेडिकेटेड होने वाली एक रिजल्ट वीडियो। तो उससे पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ग्रैंड वेलकम, सब्सक्राइब के नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दें। चलिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, हॉल ऑफ फेम 2021 की शुरुआत ही होती है और किसी के साथ नहीं बल्कि हॉल ऑफ फेम 2020 के साथ। यानी कि गाइज, जैसा कि आपको मालूम हो कि रेसलमेनिया 36 का हमें हॉल ऑफ फेम 2020 देखने को नहीं मिलता है कोरोना वायरस के कारण। और गाइज, WWE हॉल ऑफ फेम 2021 में ही हॉल ऑफ फेम 2020 को पुश करती है। और गाइज, हॉल ऑफ फेम 2020 में सबसे पहले इंडक्ट और कोई नहीं बल्कि JBL होते हैं। गाइज, JBL का सबसे पहले हमें इंडक्ट होते नजर आते हैं हॉल ऑफ फेम 2020 में। और गाइज, JBL अपने करियर के बारे में दो शब्द बोलते हैं और वो बोलते हैं कि वो काफ़ी खुश हैं कि वो हॉल ऑफ फेम 2020 में इंडक्ट हो चुके हैं। और गाइज, नंबर सेकंड पे नाम चल रहा है जो कि हॉल ऑफ फेम 2020 में इंडक्ट होते हैं और वो और कोई नहीं बल्कि बेला ट्विंस। गाइज, बेला ट्विंस का भी हमें ऑफिशियल तौर पे अपीयरेंस देखने को मिलता है, जहाँ पे गाइज बेला ट्विंस काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं WWE फैंस के बारे में। वो बोलते हैं कि जो बेला आर्मी है वो काफ़ी अच्छी आर्मी है और वो मतलब वो निकी बेला काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। पहले तो वो बताती है जॉन सीना के बारे में और वो बोलते हैं कि वो फॉर्मर डिवस चैंपियन है और लॉन्गेस्ट रनिंग डिवा चैंपियन है। और गाइज, उसके बाद होता है क्या, कुछ देर तक हमें दोनों बहन का प्रोमो देखने को मिलता है और एट दी इन गाइज ये भी चली जाती हैं। और गाइज, नंबर थर्ड पे और किसी को नहीं WWE इंडक्ट कर दी और किसी को नहीं, जैसे गाइज अभी आप देख रहे हैं विलियम सेटनर को। गाइज, विलियम सेटनर 2020 हॉल ऑफ फेम 2020 में और किसी को नहीं बल्कि विलियम सेटनर को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करती है। और गाइज, नंबर फोर्थ पे नाम चल रहा है और किसी का नहीं बल्कि NWO का। गाइज, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बिगेस्ट फैक्शन ऑफ WCW। गाइज, न्यू मतलब इनका भी हमें इस साल के हॉल ऑफ फेम 2020 में, यानी कि हॉल ऑफ इस साल तो नहीं गाइज लेकिन पिछले साल के हॉल ऑफ फेम में इनको भी WWE इंडक्ट करती है। लेकिन गाइज, सबसे अच्छा प्रोमो और किसी का नहीं बल्कि NWO की ओर से हमें और किसी का नहीं बल्कि हल्क होगन का देखने को मिलता है। और गाइज, फाइनली ऑफिशियल तौर पे 2020 के हॉल ऑफ फेम में और किसी को नहीं बल्कि NWO को भी WWE इंडक्ट कर चुकी है। और गाइज, सबसे लास्ट में नाम चल रहा है और किसी का नहीं बल्कि जसिन थंडर द लीगल का। यानी कि गाइज, जसिन थंडर द लीगल का भी WWE ऑफिशियल तौर पे हॉल ऑफ फेम 2020 में इंडक्ट करती है। अब चलिए गाइज, 2021 की हॉल ऑफ फेम 2021 की ओर बढ़ते हैं। तो गाइज, सबसे पहले WWE इंडक्ट करती है 2021 की हॉल ऑफ फेम में रॉ वैन डैम को। गाइज, रॉ वैन डैम का हमें अपीयरेंस देखने को मिलता है, जहाँ पे गाइज रॉ वैन डैम अपने करियर के बारे में कुछ सब बोलते हैं, जिसमें बोलते हुए नजर आते हैं कि वो प्रोग्रेस प्लस कितना अच्छा देते हैं, उनका WWE में कितना अच्छा करियर था। लेकिन गाइज, उनको भी WWE 2021 के हॉल ऑफ फेम से पुरस्कारित करती नजर आती है। और गाइज, नंबर सेकेंड पे नाम चल रहा है द इंडियन ग्रेट खली का। यानी कि गाइज, इंडियन रेसलर द ग्रेट खली का। गाइज, ग्रेट खली भी हमें वहाँ पे अपीयरेंस नजर, मतलब उनका हमें अपीयरेंस नजर नहीं आता है, लेकिन गाइज फिर भी द ग्रेट खली को भी WWE हॉल ऑफ फेम 2021 में इंडक्ट करती है। और गाइज, नंबर थर्ड पे नाम चल रहा है और किसी का नहीं बल्कि एरिक बिशप का। गाइज, एरिक बिशप WCW के सबसे बड़े, मतलब आप कह सकते हो मैनेजर टाइप से। लेकिन गाइज, फाइनली 2021 के हॉल ऑफ फेम 2021 में WWE इनको भी ऐड करती है। और गाइज, नंबर फोर्थ पे नाम चल रहा है मॉली होली का। गाइज, फॉर्मर वुमेन्स चैंपियन मॉली होली को भी WWE 2021 के हॉल ऑफ फेम 2021 में ऐड करती है। और गाइज, सबसे लास्ट में नाम चल रहा है और किसी का नहीं बल्कि केन का। गाइज, केन काफ़ी अच्छा प्रोमो कट करते हैं, लेकिन गाइज केन का हमें थीम सॉन्ग के साथ देखने को मिलता है, लेकिन वो विदाउट मास्क आते हैं। लेकिन गाइज, 2021 के हॉल ऑफ फेम 2021 में गाइज WWE और किसी को नहीं बल्कि केन को भी इंडक्ट करती है। और गाइज, चलिए अब मतलब अल्टीमेट वॉरियर की ओर बढ़ते हैं, जिनको गाइज वॉरियर का अवार्ड मिला है। और गाइज, वॉरियर का अवार्ड और किसी को नहीं बल्कि टाइटस ओनील को। और गाइज, एक फॉर्मर ऑफिसर टाइप से आप कह सकते हो WWE को जिनको मिला है गाइज, वो और कोई नहीं बल्कि रिच हेरिंग है। और गाइज, और कोई नहीं बल्कि टाइटस ओनील एंड रिच हेरिंग को गाइज एक अल्टीमेट वॉरियर अवार्ड मिला है, यानी कि गाइज वॉरियर अवार्ड मिला है। और गाइज, काफी सारे सुपरस्टार का भी हमें एक बैकस्टेज इंटरव्यू देखने को मिलता है, जैसा कि सेथ रॉलिंस का और किसी का नहीं बल्कि केविन ओवेंस का, ड्रू मैकइंटायर का, बॉबी लेस्ली का, वुमेन्स डिविजन की ओर से साशा बैंक का, बियंका ब्लेयर का, कार्मेला का। गाइज, काफी सारे सुपरस्टार का हमें इंटरव्यू देखने को मिलता है, लेकिन गाइज वहाँ पे हमें कोई भी मतलब हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज नजर नहीं आते हैं। अब चलिए गाइज, लेगेसी इंडक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइज, लेगेसी इंडक्शन में और किसी को नहीं बल्कि WWE अनाउंस करती है कि डिक ब्रूजर आने वाले हैं। और गाइज, डिक ब्रूजर को भी लेगेसी इंडक्शन में WWE अनाउंस करती है। और गाइज, नंबर सेकेंड पे नाम चला है जो कि लेगेसी इंडक्शन में WWE को अनाउंस करती है और कोई नहीं बल्कि गाइज
इथेल जॉनसन है गाइस, इथेल जॉनसन को भी WWE अनाउंस करती है। और जैसा ही गाइस काफ़ी सारे आप सुपरस्टार के इमेज देख रहे हैं गाइस, ये सब सुपरस्टार लीगेसी इंडक्शन में ऐड होते हैं, यानी कि इस साल के लीगेसी इंडक्शन 2021 में ऐड होते हैं। तो गाइस कुछ यही हमें देखने को मिला जो कि मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दिया। फाइनली फाइनली फ्रेंड्स,